मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को परमार्थ निकेतन द्वारा गंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योग आसनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योग से संपूर्ण शरीर की दिशा एवं दशा बदलती है, साथ ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश योग धर्म संस्कृति एवं आयुष की धरा है। जिस तरह ऋषिकेश से माँ गंगा पूरे देश को जीवन देने का कार्य करती हैं, उसी प्रकार ऋषिकेश से योग का संदेश पूरे विश्व में जाता है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी भी मनुष्य एवं मानवता के लिए योग के सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है। इस दौरान परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेणु बिष्ट, विधायक दुर्गेश्वर लाल सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी व अन्य सम्मानित जन उपस्थित रहे। ऋषिकेश से एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।